राम राम भाई सारे भाई ने, मैं संदीप नोखवाल लाइव एन 24 न्यूज में स्वागत करता हूँ। सारे भाई लाइक शेयर कर दो इस वीडियो को, जितना हो सके शेयर कर दो, और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। भैया हरियाणा के अंदर कांग्रेस की कल मीटिंग हुई जिस पर तीन टिकटें फाइनल हो चुकी है। तीन टिकटें फाइनल मतलब रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं, सिरसा से कुमारी शैलजा चुनाव लड़ रहे हैं, और तीसरी सीट के बारे में अभी आपको बताऊंगा जो फाइनल हुई है कि क्या हुआ है। यहाँ पर आपको बता दें कि लेकिन बाकी बची हुई छह सीटों पर अभी तक कोई भी संभावना नहीं बन पाई, क्योंकि कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने में लग गए, जिसके कारण कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि लड़ाई झगड़ा भी ठीक करें, क्योंकि ऐसे ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे रही है कांग्रेस दबाव में, या कुछ नेता अपना मनमानी कर रहे हैं, अपने अपने जो है लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं। उससे पहले जान लीजिए कि कल मीटिंग हुई, सोनिया गांधी मौजूद थी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, कुमारी शैलजा मौजूद थी हरियाणा से ही, प्रदेश अध्यक्ष सुरजेवाला मौजूद थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे, रणदीप सुरजेवाला मौजूद थे। तो ऐसे में देख सकते हैं कि अलग अलग गुट के तीनों नेता मौजूद थे हरियाणा से। वहीं पर हरियाणा कांग्रेस की रोहतक सिरसा और अम्बाला सीट पर सहमति बन चुकी है, मैं आपको बता भी चुका हूँ। और वहीं पर आपको बता दें कि जिन सीटों में पैच फंसा हुआ है उसकी मीटिंग आज होगी और शाम तक फाइनल लिस्ट दिया जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी तो हिसार की सीट है, जहाँ से बृजेंद्र सिंह दबाव बना रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि बृजेंद्र सिंह चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं हिसार की सीट से, किसी भी हाल में वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि पब्लिक उनको जानती नहीं है, पब्लिक के बीच कोई चर्चा नहीं है। हाँ, जरूर मानता हूँ कि बांगर साइड बेल्ट से जो है उनके अच्छे वोटर है उचाना साइड से, लेकिन हिसार जिले के छः हलकों में से सिर्फ एक हलका के अंदर बृजेंद्र सिंह को लोग जानते हैं। ना तो हिसार से कोई जानता है, ना हांसी से कोई जानता है, ना नलवा से कोई जानता है, ना आदमपुर से कोई जानता है। पिछली बार मोती लहर में वो चुनाव जीत गए थे और अब उसका फायदा उठा रहे हैं कि भैया टिकट नहीं मिले तो कांग्रेस में शामिल हो गए, और कांग्रेस पार्टी भी देखिए किस प्रकार से एक दल बदलू नेता को अहमियत दे रही है और कुछ लीडर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसी वजह से पेच फंसा हुआ है, कुछ लोग चाहते हैं कि बृजेंद्र सिंह को टिकट ना मिले, किसी और नेता को टिकट मिले, और जिसको लेकर चर्चा की जाएगी या तो IAS जो है उसको टिकट मिले, या दूसरे दावेदार चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट मिले, इसको लेकर पहेज फंसा हुआ है और आज तक शाम तक निर्णय आ जाएगा। वहीं पर आपको बता दें कि अम्बाला से वरुण चौधरी को टिकट दी गई है, करनाल लोकसभा सीट से चाणक्य पंडित का नाम सामने आ रहा है। वहीं पर सोनीपत से सतपाल ब्रह्माचारी, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा फाइनल हो चुके हैं, भिवानी से श्रुति चौधरी, भिवानी से भी पेज फंसा हुआ है श्रुति चौधरी की टिकट को लेकर। गुरुग्राम से राज बब्बर लगभग फाइनल हो चुके हैं, फरीदाबाद से कर्ण दलाल, हिसार से चौधरी बीरेंद्र सिंह को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। वहीं पर कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार उतारना चाहती है दो सीटों पर, कहते हैं कि काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ये महिला उम्मीदवार श्रुति चौधरी और कुमारी शैलजा है, कुमारी शैलजा की टिकट लगभग तय हो चुकी है, और कुछ लोग कुमारी शैलजा को अम्बाला से चुनाव लड़वाना चाहते थे लेकिन कुमारी शैलजा ने साफ साफ मना कर दिया है, अब वो सिरसा से अशोक तंवर भाजपा प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़ेगी। वहीं पर हिसार के सीट से चंद्रमोहन बिश्नोई को नाम को लेकर मंथन नहीं बन पाया है, ना ही तो बृजेंद्र सिंह के नाम को लेकर मंथन पा रहा है। कुछ नेता चाहते हैं कि बृजेंद्र सिंह चुनाव लड़ें, जिसमें से मुख्य तौर पर आप देख सकते हैं कि मैं साफ साफ कहूँगा कि यहाँ पर कुछ जाट लीडर चाहते हैं कि बृजेंद्र सिंह चुनाव लड़ें, और कुछ नॉन जाट लीडर ये चाहते हैं कि चंद्रमोहन बिश्नोई चुनाव लड़ें। ऐसे में देखते हैं कि पार्टी किसको टिकट देती है। यहाँ पर साफ साफ पता है, हर किसी को पता है कि बृजेंद्र सिंह किसी भी हाल में चुनाव नहीं जीत सकते हैं, फिर भी काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है बृजेंद्र सिंह परिवार के द्वारा। अब देखते हैं कि पार्टी हाईकमान क्या फैसला लेती है, क्योंकि हाईकमान के हाथ में फैसला होती है। कुछ सीटें ऐसी है जहाँ पर काफ़ी नेताओं को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जैसे कि करनाल सीट है, सब यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर का जीतना 99% श्योर है, लेकिन वहाँ पर भी कोई बलि का बकरा बनने को तैयार नहीं है। गुरुग्राम सीट से राज बब्बर को चुनाव लड़वाया जाएगा ताकि कड़ी टक्कर दे सके। तो इस चीज़ को लेकर, इस मंथन को लेकर आम पब्लिक का क्या सोचना है, मैं तो कहता हूँ कि आम पब्लिक इतनी कमेंट करें इस वीडियो में ताकि कांग्रेस के हाईकमान लीडर को लगने लगे कि किसको टिकट चाहिए। आप जिस भी नेता को चाहते हैं, जिसका भी पैनल के अंदर नाम शामिल है, आप अपना सपोर्ट दीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि कांग्रेस हाईकमान भी आज बड़ा फैसला ले सके, या किसी के दबाव में कांग्रेस हाईकमान फैसला ना ले। मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस के हाईकमान दबाव भूल जाए, क्या दबाव है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, क्या दबाव है रणजीत सुरजेवाला का, क्या दबाव है कुमारी शैलजा का, क्या दबाव है दीपक बावरिया का, क्या दबाव है बृजेंद्र सिंह का, इन दबाव को भूल जाए और जनता की सोचे, क्योंकि वोट जनता को करना है, वोट तय जनता को करना है, हार जीत का फैसला जनता को करना है। तो इसलिए कांग्रेस हाईकमान जनता की राय जरूर देखें। बने रहिएगा 24 न्यूज के साथ, लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।